बना कोविड केयर सेंटर। अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन को फिक्र में डाल दिया है। आए दिन कोरोना तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। सिरोंज में स्थित लटेरी रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने कुरवाई SDM आरती यादव, लटेरी तहसीलदार अजय शर्मा एवं विदिशा नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंगला और आसपास के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने बताया कि सिरोंज में 100 पलंग कोविड 1 सेंटर में व्यवस्था की गई है, जिसमें खाने पीने पानी के साथ LED एवं TV लगाई गई है, ताकि सेंटर में रहने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आज हमारी बैठक कोविड मैनेजमेंट के संबंध में थी, जिसमें हमारे SDM थे, डॉक्टर्स थे और HQD में। सर, कितने बेडों की तैयारी की जा रही है यहाँ पर? 100 बेड। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्थाएं क्या होती हैं? खाने की व्यवस्था, शौचालय की? हाँ, वो तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ें तो आवश्यक हैं। तो व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है आज? कुछ व्यवस्थाएं कमी रह गई है, वो हो रहा है, रात तक पूरी हो जाएगी। सर, कब से हो जाएगा ये? कल से फंक्शन में। अच्छा, कल से हो जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद कंटेनमेंट दोनों का भी निरीक्षण किया अपर कलेक्टर ने, और कमियों को दूर करने के तत्काल SDM को निर्देश दिए। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद दीवान, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, SDM सानू कुमार, तहसीलदार अलका सिंह, नायब तहसीलदार रामेश्वर डांगी, PHE SDO सरोज सिंह, पुलिस बल मौजूद रहा। सिरोंज से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट।